हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भीम इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको नाउन के सभी रूल्स करा चुके हैं, ठीक है। नाउन्स के हमारे सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं और आज हम आपको उन रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि देखिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे देते, एग्जामिनर हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं और हमें वो कैसे सॉल्व करने होते हैं और हमें कहाँ पे एरर दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम आपको आज बताएंगे। तो हम इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही ध्यान से इन्हें नोट कीजिए कि गलती कहाँ हो सकती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें देते क्वेश्चन को हमें चार पार्ट्स में देते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो तीन पार्ट होते हैं ए बी एंड सी, इन तीन में तो यहाँ तक वो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में देते हैं नो एरर, इट मींस हमें बताना होता है कि यहाँ पे कहाँ गलती है। इसमें अगर हमें कहीं पे गलती होती तो हमें उस पर टिक करना होता है, हमें लगता है कि हमारा पूरा सेंटेंस ही सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो हमें नो एरर पे टिक करना होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए देखिए, सिक्स आवर्स आर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। हमारे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स आवर्स आर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए इसमें क्या होता है, कहीं पर अगर हमें वेट डिस्टेंस या टाइम दिया गया हो तो हमें उसको एक यूनिट मान लेना चाहिए, ठीक है। हमें वहां पे एक यूनिट मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, ठीक है। उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये सिक्स आवर्स, ठीक है, सिक्स आवर्स, इसको हमने एक यूनिट मान लिया है, तो इसके साथ में हम क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ है, आर में, कहाँ है हमारा एरर, आर में। तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, इज, ठीक है, सही क्या होगा, सिक्स आवर्स इज ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको प्यूपिल के बारे में समझेंगे कि प्यूपिल को हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। देखिए हमने अपनी लास्ट वीडियो नाउन पार्ट थर्ड की जो वीडियो थी उसमें जो रूल नंबर सिक्स था वहां पे हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल जब बताए थे तो वहां पे हमने आपको प्यूपिल का बताया था, ठीक है। लेकिन वो वहां पे बाय मिस्टेक बता दिया था, उसको यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए वी मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्यूपिल ऑन द ट्रिप, देखिए मोर देन वन पर्सन, ठीक है, मोर देन वन पर्सन को हम प्यूपिल कहते हैं। जहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो उस वहां पर हम प्यूपिल वर्ड का यूज करते हैं, अब ठीक है। देखिए वी मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्यूपिल ऑन द ट्रिप, यहाँ पे एक ट्रिप की बात चल रही है, मतलब ट्रिप पे जो है एक पर्सन से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं यानी कि एक ग्रुप के रूप में है, तो यहाँ पे हमने क्या प्यूपिल का यूज किया है, ठीक है, इसका यूज किया प्यूपिल का, ठीक। नेक्स्ट देखिए द प्यूपिल ऑफ चाइना नो लॉन्गर नीड टू अबाइड बाय द वन चाइल्ड पॉलिसी, देखिए जब अदर कंट्री की बात होती है, ठीक है, यदि कहीं पे अदर कंट्री की बात होती है तो वहां पर हम प्यूपिल से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जब अदर कंट्री की बात हो तो वहां पर हम द प्यूपिल का यूज करते हैं। और देखिए प्यूपिल का यूज जब हम कहीं पर इंडिया के लोगों की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम कहीं पर इंडिया के लोगों की बात करेंगे तो वहां पर हम केवल प्यूपिल का यूज करेंगे, ओके। और अदर कंट्री के लोगों की बात होती है तो द प्यूपिल, वो भी सिर्फ एक कंट्री, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए प्यूपिल्स ऑफ अमेरिका एंड जापान रेस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, दो कंट्री की, जब जहां पर एक कंट्री से ज्यादा कंट्री की बात हो तो वहां पर हम प्यूपिल्स का यूज करते हैं, ठीक है, किसका प्यूपिल्स का यूज करते हैं। जहां पर यदि एक कंट्री की बात होती है, इंडिया से अदर कहीं एक कंट्री की बात होती है तो द प्यूपिल का यूज होता है, और एक से ज्यादा कंट्री की बात होती है तो प्यूपिल्स का यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए द प्यूपिल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट टू टैकल
क्लाइमेट चेंज। अब देखिए जहां पर पूरे संसार की बात हो, ठीक है, जहां पर हम पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वहां पर हम द प्यूपल्स का यूज करते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे वो इसमें किसी भी टाइप से एरर दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्यूपल है तो यहाँ पे प्यूपल्स कर सकता है, द प्यूपल है यहाँ पे प्यूपल, प्यूपल्स, द प्यूपल्स, कुछ भी एरर हमें दे सकता है किसी भी टाइप में, ठीक है। लेकिन हमें ये चारों चीजें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि हमें प्यूपल कहाँ यूज करना है, द प्यूपल कहाँ यूज करना है, प्यूपल्स कहाँ यूज करना है और द प्यूपल्स कहाँ यूज करना है। देखिये द प्यूपल्स केवल पूरे संसार की जहां पर बात हो, पूरे संसार के लोगों की जहां पर बात हो वहीं पर यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। और जहां पर केवल इंडिया के लोगों की बात होती है तो वहां पर हम प्यूपल का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ठीक है, कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ठीक है। देखिए हमने बताया था कि कैटल क्या है, कैटल हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो देखिए हमें एरर में वहां पे कैसे दे सकते हैं कि कैटल में एस लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कैटल में एस लगा देंगे, लेकिन कैटल तो खुद ही प्लूरल नाउन है तो वहां पे बच्चे गलत भी कराते हैं, आर देख करके यहाँ पे हमारे प्लूरल वर्ब है तो कैटल में एस को ही सही बता देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, कैटल तो खुद ही प्लूरल है तो इसमें एस का यूज नहीं होगा, तो एरर कहाँ पे देगा हमारे कैटल में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, although she has studied English for almost a year, she has yet to learn alphabet, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा एरर कहाँ पे देगा, ठीक है, अल्फाबेट में कैसे देगा, ठीक है, अल्फाबेट में वो हमें एस लगाकर दे सकते हैं, एग्जामिनर हमें अल्फाबेट में एस लगाकर दे सकते हैं, और वहां पे बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फाबेट तो हमारे 26 होते हैं, इट मीन्स ये प्लूरल होगा, इसमें एस जरूर ही लगेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, अल्फाबेट तो हमारे एक ही होता है ना, वर्णमाला तो हमारी एक ही होती है, उसमें 26 होते हैं, तो ठीक है यहाँ पे अल्फाबेट में एस नहीं लगता है, ठीक है, समझ गई ये सभी, तो इनको नोट कीजिए, इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट और बताते हैं। हो गया नोट, देखिए सात हो गए थे ना हमारे, तो अब हम नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। There are two score of books which are lying unused in the library. Next again, children are prone to making mischief if they have nothing to do. Executive. You should always be true to your word if
यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट देखिए, He was late and entered the woman compartment in a hurry. Next, when we reached picture hall, we found When we reached picture hall, we found there was no seat. ठीक है, देखिए इसमें देखिए एरर कैसे हो सकता है। देखिए, there are two score of books which are lying unused in the library. ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था जो हमारा कोई न्यूमेरिकल नाउन होता है यदि उसके साथ में कोई नंबर दिया गया हो तो प्लूरल में हम उसके साथ में प्लूरल बनाते हैं, हम उसके साथ में एस का यूज नहीं करते हैं। उसके साथ में जो नाउन होता है उसके साथ में हम एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें एरर कहाँ पे देगा, वो हमें एरर स्कोर में एस लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल नाउन जब इसके साथ में हमें नंबर दिया गया है तो इसके साथ में हम एस नहीं यूज करके बुक के साथ में एस यूज करेंगे, यहाँ पे हम बुक्स कर देंगे और वहां पे एरर में हमें स्कोर में एस देगा जो कि गलत होगा। ठीक है, सी नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो देखिए एग्जाम में हमें इसमें कैसे एरर मिलेगा, मिसचीफ, मिसचीफ क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और हमने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो एरर में क्या देगा हमें, मिस चीफ में एस लगा देंगे। ये क्या कर देंगे, मिस चीफ में एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये गलत होगा, मिस चीफ में एस नहीं लगता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। देखिए पहले इसका मतलब समझ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। You should always be true to your word if you are to succeed in life. यदि तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें अपने वचनों का पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या सेंस आ रहा, अपने वचनों का पक्का होना। ठीक है, यहाँ पे वचन का, यहाँ पे जो वर्ड का मीन है वो वचन के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब वचन के रूप में आ रहा है तो हम यहाँ पर वर्ड का ही यूज करेंगे, तो हमें एरर में क्या देगा, यहाँ पे हमें एरर में वर्ड में एस लगा देगा जिसका अर्थ होता है शब्द। वर्ड्स का अर्थ क्या होता है, शब्द, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे, केवल वर्ड। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज लेट एंड एंटर्ड द वुमेन कंपार्टमेंट इन ए हरी। ही वॉज लेट एंड एंटर्ड द वुमेन कंपार्टमेंट इन ए हरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जहां पर कंपार्टमेंट की बात होती है किसी, तो वहां पर हम वुमेन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, वुमेन का। अब हमें एरर में क्या देगा, वुमेन की जगह या तो लेडीज कर देगा या फिर फीमेल कर देगा, तो जो गलत हो जाता है। ठीक है, वहां पे जहां कंपार्टमेंट की बात होती है, ठीक है, तो वहां पर हम वुमेन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी रीच्ड पिक्चर हॉल वी फाउंड देयर वॉज नो सीट। ठीक है, तो देखिए वहां पे हमें एरर क्या देगा, यहाँ पे हमें सीट की जगह, क्या जो हमारी सीट है, सीट की जगह प्लेस
जगह मतलब सीट की जगह क्या दे देगा हमें, प्लेस, ठीक है। तो वो हमारा गलत होगा। देखिए जहाँ पे पिक्चर हॉल की बात होती है तो वहां पर सीट का ही यूज किया जाता है, जगह के लिए सीट का ही यूज किया जाता है, प्लेस का नहीं। अगर हम प्लेस का सही वहां पे हम अगर हम प्लेस कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर पिक्चर हॉल होता है वहां पर सीट का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम आपको और बताते हैं। हो गया, देखिए बारह हो गए थे हमारे, ठीक है। अब हम नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। I hope to visit my uncle only next year during समर वेकेशन। नेक्स्ट देखिए, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप by the committee. Next देखिए, she takes pains. She take pains over her वर्क। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बैरॉन एंड शैली। नेक्स्ट देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस enchanted me. Then again, the driver showed great skill in keeping the damaged car under control. Next देखिए, when I
एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक crawling on the floor. ठीक है, देखिए इसमें, देखिए इनमें एरर हमें कहां और कैसे दे सकते हैं. देखिए, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन. ठीक है, तो इसमें देखिए हमें एरर कैसे देंगी. वेकेशन है हमारा, वेकेशन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो एरर में क्या करेंगे, हमें वेकेशन में एस लगा देंगे. ठीक है, क्या करेंगे, वेकेशन में एस लगा देंगे, इसको वेकेशन कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा. वेकेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसमें एस का यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट देखिए, ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाय द कमेटी. ठीक है, तो देखिए क्या हमारा लेक्चरशिप, एरर में क्या करेगा, हमें लेक्चरशिप की जगह लेक्चररशिप दे देगा. ठीक है, क्या देंगे एग्जामिनर, लेक्चररशिप, जो कि गलत होगा. देखिए लेक्चररशिप तो कोई वर्ड ही नहीं होता है. ओके, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लेक्चरशिप. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, शी टेक्स पेन्स ओवर हर वर्क. देखिए स्टूडेंट, टेक पेन्स हमारे एक फ्रेज है. क्या है, टेक पेन्स फ्रेज. ठीक है, जिसका मतलब होता है काफी प्रयास करना. क्या होता है टेक पेन्स का, काफी प्रयास करना. अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि टेक पेन्स फ्रेज है तो टेक में एस क्यों लगा है, क्योंकि शी क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ में हम क्या नाम है एस का यूज करते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा टेक पेन्स. ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, काफी प्रयास करना. तो वहां पे क्या देगा हमें एरर में, कि इसमें से ऐसा हटा देगा. ठीक है, या इसमें एस नहीं देगा, तो हमें ये सही पता करना होगा कि इसमें गलती कहां पर है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शेली. ठीक है, मुझे बायरन एंड शेली की पोएट्री पसंद है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा पोएट्री क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन. क्या है पोएट्री, अनकाउंटेबल नाउन. तो वहां पे देखिए हमें एरर किस टाइप से देगा, कि पोएट्री को पोएट्रीज कर देगा. क्या कर देगा पोएट्री को, पोएट्रीज, जबकि पोएट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये पोएट्री ऐसे ही रहता है. ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते कि यहाँ पे तो दो लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पोएट्रीज हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे केवल पोएट्री ही रहेगा. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी. ठीक है, तो देखिए एरर में देखिए, देखिए सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र. ठीक है, तो हमें एरर में क्या देगा, कि यहां से एस हटा देगा. क्या देगा, ओनली सराउंडिंग, एस नहीं देगा, तो वो गलत होता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या आएगा, सराउंडिंग्स. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल. देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये हमने क्या दिया है, ग्रेट स्किल. स्किल, स्किल का मतलब जानते क्या होता है, स्किल का मतलब होता है हम किसी के हुनर की बात करें करते हैं ना, प्रतिभा, स्किल का मीन्स वही होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्किल क्यों दिया है, टैलेंट क्यों नहीं दिया. देखिए अगर वो यहाँ पे टैलेंट देगा ना, तो वो गलत हो जाएगा. अब अंतर देखिए कि स्किल और टैलेंट में अंतर क्या होता है. ठीक है, उस जब हमें इनका अंतर पता होगा, तो हम इन्हें सही जगह पे यूज कर सकेंगे. देखिए स्किल उन चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो चीजें हम किसी कोचिंग के थ्रू, किसी स्कूल के थ्रू, या किसी कोचर के थ्रू सीखते हैं ना, कोई हमारा कोच होता है हमें, मतलब कोई चीज हमें सिखाए, तो उस चीज को हम स्किल बोलते हैं. किसी चीज को हमें किसी ने सिखाया और हमें वो अच्छे से आ गई, तो उसको हम अपनी प्रतिभा के लिए स्किल का यूज करेंगे. लेकिन जो चीज हमें खुद से आती है, ठीक है, जो चीज हमें खुद से आती है, बाय बर्थ हम सीखते हैं, उसके लिए हम टैलेंट का यूज करते हैं. ठीक है, और किसी अगर किसी चीज को हम किसी से सीखते हैं, कोई दूसरा हमें सिखाता है, तो उस चीज के लिए हम स्किल का यूज करते हैं. ठीक है, वहां पे हम अपने हुनर के लिए स्किल का यूज करेंगे, ना कि टैलेंट का.
समझ गए। तो यहाँ पे भी यही है, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने उस कार को कंट्रोल किया जो कि मतलब उस डैमेज कार को कंट्रोल में किया जो कि खराब थी, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में किया अपनी प्रतिभा दिखाकर, अपनी ग्रेट स्किल दिखाकर, समझ गए। ऐसी नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। तो देखिए इसमें हमें एरर कहां देगा, यहाँ पे हमें फ्लोर की जगह ग्राउंड दे देगा, क्या दे देगा, ग्राउंड। अब देखिए फ्लोर और ग्राउंड में अंतर देखिए क्या होता है। देखिए उसने सांप को रेंगते हुए कहां देखा, जब वो अपने उसने अपने बेडरूम में एंटर किया, यानी कि बेडरूम उसके घर में होता है, ठीक है, बेडरूम कहां है उसके घर में, वो अपने घर के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब वो अपने घर के अंदर की बात कर रहा है, जब हम अपने घर के अंदर की बात करते हैं तो जो घर के अंदर का फर्श होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोर, और जो हमारे घर के बाहर का फर्श होता है उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे देगा, ग्राउंड, जो कि गलत होगा, सही क्या है, फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड हमारा यहाँ पर गलत होगा, ओके। अगे समझ में, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद की और आपको बता दें कुछ। हो गया, देखिए नेक्स्ट देखिए, कितने हो गए हमारे, 19 हो गए ना, 20, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल रूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5-star hotels. Next again. The company has ordered some new equipment. Next देखिए, strong wind blew his cap off. Next देखिए, he was advised to take two spoonfuls medicines times a day. Next again,
इट इज ए ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट. ठीक है, देखिए इसमें देखिए हमें कैसे देगा एरर. लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल रूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी. ठीक है, देखिए आईज क्या होता है हमारा, नाउन होता है आईज, लेकिन यहाँ पे हमारे आई जो है ये सर्जरी का सर्जरी की विशेषता बता रहा है. तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, सर्जरी हमारा नाउन है. ठीक है, और आई यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, जब हमारा कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आई क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में आई लिखा है. ठीक है, ना कि आईज. एरर में क्या देगा हमें, यहाँ पे आईज कर देगा. ठीक है, आईज सर्जरी, जो कि गलत होगा. सही क्या हमारा, आई सर्जरी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसी. व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5-star होटल्स. ठीक है, तो देखिए जहां पे 5-star की बात होती है तो वहां पर स्टार में एस नहीं लगता है. एरर में क्या देगा आपको, 5-star में स्टार में एस लगा देगा, 5 stars कर देगा, जो कि गलत होगा. सही क्या होगा हमारा, 5-star में एस नहीं लगता है. इसके साथ में जो हमारा नाउन है उसके साथ में हम एस का यूज करते हैं. सही, देखिए द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट. ठीक है, देखिए इक्विपमेंट क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अब जब कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट ऑर्डर किए तो इट मीन्स वो एक से तो ज्यादा ही होंगे. ठीक है, अब इसमें तो हम इसलिए एक से ज्यादा के लिए हम इक्विपमेंट में तो एस नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन को हमें प्लूरल फॉर्म में यूज करना होता है या हमें उसकी प्लूरलिटी कहीं दर्शानी होती है तो हम उसके साथ में मच या सम का यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए हमने इसके साथ में क्या यूज किया है, सम. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए. अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, यानी कि एक तेज हवा उसकी कैप उड़ाकर ले गई. ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग विंड इसका मतलब क्या होता है, तेज हवा. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, तेज हवा. तो वहां पे एरर में क्या करेगा हमें, इसकी जगह पे क्या दे देगा, ब्रीज. क्या दे देगा, ब्रीज. ब्रीज का मतलब क्या होता है, मंद हवा. ठीक है, जो कि हमारा गलत होगा. भाई हल्की हवा में थोड़ी ना उसकी कैप उड़ेगी, कैप कहाँ उड़ेगी, तेज हवा में. तो क्या यूज करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग विंड. ब्रीज हमारा गलत है. ठीक है, समझ गए. ऐसे देखिए, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 spoonfuls मेडिसिन टाइम्स अ डे. यहाँ पे किसकी बात चल रही है, 2 चम्मच भर के दवाई की. स्पूनफुल्स का मतलब होता है चम्मच भर के. अब यहाँ पे कितने बार चल रहे, 2 चम्मच भर के. ठीक है, तो हम उसको चम्मच भरने के लिए कहते स्पून फुल्स. ठीक है, अब हमें एरर में क्या देगा, स्पून में एस लगा देगा और यहां से फुल्स में से एस हटा देगा. ठीक है, स्पून्स फुल. तो स्पून्स फुल हमारा गलत होगा. सही क्या है हमारा, स्पून फुल्स. ठीक है, क्या है हमारा सही, स्पून फुल्स. ओके, ऐसे देखिए, इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट. ठीक है, देखिए ब्लंडर का मतलब जानते हैं क्या होता है, ए ब्लंडर का मतलब होता है ए बिग मिस्टेक. क्या होता है इसका मतलब, ए बिग मिस्टेक. अब हमें एरर में क्या देगा कि यहाँ पे ए के बाद में क्या दे देगा, बिग. ए बिग ब्लंडर, जो कि हमारा गलत होगा. ब्लंडर का तो खुद ही मीन्स बिग मिस्टेक होता है, तो इसके साथ में तो बिग की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, तो सही क्या होगा, ए ब्लंडर ना कि ए बिग ब्लंडर. ठीक है, तो हमारे ब्लंडर ऐसे ही आएगा, इसके साथ में बिग नहीं आएगा. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए. हो गया, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही. आज हमने आपको इसके 25 क्वेश्चंस कराए हैं, इनको फिर से रिवाइज कीजिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है. और इसमें ये सभी जो हमने आपको रूल्स कराए उन पर ही बेस्ड हैं. ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हम आपको और भी कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो
इसको भी ध्यान से पढ़िए और आगे जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसको भी देखिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।